गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सातवीं पंचवर्षीय योजना से बारहवीं पंचवर्षीय योजना तक को कवर करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर छठी पंचवर्षीय योजना तक देखे थे सारे चीज जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। और आज हम सातवीं पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है वो 1985 से लेकर 90 तक चली थी। कब से कब तक? 1985 से लेकर 90 तक चली थी। और इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को कम करना क्या था सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी दिया गया था। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना को हम याद करेंगे सात, तो ये भोजन, काम और उत्पादन तीनों चीजें क्या है? साथ साथ चलती हैं। तो साथ साथ से हम याद करेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसी पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। इसी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी 1989 में। और उसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1990 से 92 तक फिर से क्या आ जाता है? वार्षिक योजना आ जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? थर्ड ब्रेक था। टोटल तीन बार ब्रेक हुआ था, तो ये जो तीसरा जो ब्रेक हुआ था वो 1990 से लेकर 92 के बीच में हुआ था। पहला कब हुआ था? 1966 से 69 के बीच में हुआ था। दूसरा 1978 से 80 के बीच में हुआ था। और जो तीसरा ब्रेक हुआ है वो 1990 से लेकर 92 के बीच में हुआ है। तो ये टोटल तीन बार योजना अवकाश हुआ है पंचवर्षीय योजना में। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से लेकर 97 तक चली थी। और इसका उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास करना, अर्थात रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता इस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे कि WTO का मेंबर बना था इंडिया 1 जनवरी 1995 आठवीं पंचवर्षीय योजना में। करेंगे नौवीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि चली थी 1997 से लेकर 2002 तक। और इसका उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, ये नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो जाता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनता है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में ही क्या हुआ था? कारगिल युद्ध हुआ था। कब? 1999 में। बात करेंगे दसवीं पंचवर्षीय योजना की, ये चली थी 2002 से लेकर 7 तक। दसवीं पंचवर्षीय योजना चलती है और इसका उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को कम करना, दसवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना भी प्रस्तावित किया गया था। कहाँ पर? दसवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, अगले 10 वर्षों में। तो 10 से याद करेंगे दसवीं पंचवर्षीय योजना, और 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना प्रस्तावित किया गया, किसमें? दसवीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट चलिए बात करेंगे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, जो चली थी 2007 से लेकर 12 तक। और इसका उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो जाता है। और वहीं बारहवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से लेकर 17 तक चली थी, और इसका उद्देश्य था तीव्र समावेशी एवं धारणीय विकास। ये सारी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, ये बारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र समावेशी एवं धारणीय विकास। तो ये हो गया पंचवर्षीय योजना, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको पढ़े हैं, पहले पार्ट्स में हम 6 तक पढ़े थे, और आज जो हम पढ़े हैं वो 7 से लेकर 12 तक की पंचवर्षीय योजना को इस वीडियो में कवर करा दिया है।